गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बस मैं यहाँ पे सुबह की नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आज ब्रेड पकौड़ा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है बॉयल हुआ आलू, मैंने इसको जो है मसल दिया है, ब्रेड लिया है, हल्दी नमक मसाला, और यहाँ पर लिया है मिर्चा और लहसुन को कूट करके। तो बस मैं आज बनाऊंगी नाश्ते में गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा। और यहाँ पे मैं भून रही हूँ जो है प्याज, और इसमें मैंने तड़का दिया है जीरा अजवाइन का और जीरे का और जो है राई का। तो तड़के दे करके मैं यहाँ पे भून रही हूँ प्याज को। अब यहाँ पे डालूंगी मैं नमक और डालूंगी मैं मसाला और थोड़ा सा डालूंगी हल्दी जो है कलर आने के लिए। और यहाँ पे जो मैंने कूटा है खरबट्टे में मिर्चा और हरा और लहसुन, तो बस इसको मैं डाल दूंगी। और इतने ही मसाले मैं यूज करूँगी क्योंकि इतना मसाला बहुत है चटपटा होने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मसला हुआ जो है आलू मैंने रखा था। बस इसको डाल के थोड़ा 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 मसाले में इसको मिक्स करूँगी ताकि खूब अच्छे से आलू में जो है मसाला एब्जॉर्ब हो जाए और अंदर तक घुस जाए ताकि आलू और चटपटा हो जाए और जब ब्रेड पे लगे तो एकदम यम्मी 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 टेस्ट आए इसका। तो बस इसको मैं अच्छे से भूनूंगी मिला करके, और बाकी मैं थोड़े थोड़े आलू डाल के जैसे कि एक बार थोड़ा सा डाला फिर दोबारा मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि थोड़े थोड़े आलू डालूंगी अच्छे से वो मिल जाएंगे अंदर तक। और यहाँ पे मैंने ले लिया है भगोना और इसमें डाल रही हूँ पैकेट का है जो है आया है ये बेसन लिक्विड बनाने के लिए। तो बस मैं लिक्विड में ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, इसमें डालूंगी जो है थोड़ा सा हल्दी कलर आने के लिए ताकि होता है ना पीला जैसा थोड़ा बहुत रहता है, तो बस थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए तो कलर आ जाता है। तो यहाँ पे बस मैं अजवाइन डाल दूंगी और हल्दी डाल दूंगी और यहाँ पे बस अच्छे से इसको फेंट लूंगी, क्योंकि इतना ही डालूंगी, अपने अंदाज से पानी डालूंगी जितना कि ब्रेड सोख ले, क्योंकि ब्रेड बहुत सोखता है ना पानी, इसमें जो लिक्विड होती है ना ब्रेड बहुत सोखता है। ऐसे डालो, एक बार डालो एकदम पूरा डीप करो तुरंत सोख लेता है, तो उसके हिसाब से मुझे लिक्विड बनाना है। और यहाँ पे मेरा भून ली हूँ मैं आलू एकदम रेडी है। बस इस पर तो थोड़ा सा खुशबू आने के लिए मैंने डाल दिया है हरी धनिया कट करके, और धनिया जब मैं डालती हूँ ना मुझे इतना अच्छा लगता है धनिया की खुशबू कि मैं हर चीज़ में धनिया की ज़रूर ही यूज करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है धनिया। धनिया की चटनी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने कट करके डाल दिया है और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि धनिया भी अच्छे से मिल जाए। और यहाँ पे मैं तलने लगी अब ब्रेड पकौड़ा। अब मेरा जो है सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट तल लेती हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि मॉर्निंग में कितनी जल्दबाजी रहती है कि जल्दी 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 बनाओ। तो बस यहाँ पे मेरा ब्रेड पकौड़ा तल रही हूँ, अपना तल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने भर करके ब्रेड में आलू भी रख दिया है और बाकी सब ऐसे ही रखे हैं, दो दो में कट करके आलू को भर करके ऐसे छानती जा रही हूँ। जब ऐसे ही मैं करती हूँ, दो भर लेती हूँ फिर छानती हूँ, दो भर लेती हूँ छानती हूँ, ऐसे ऐसे करती हूँ जैसे कि मैंने कढ़ाई में डाल दिया और फिर मैं भर लेती हूँ काट करके। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक का पकौड़ी, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा बनने के बाद पालक भी था और जो लिक्विड मैंने बनाया था वो लिक्विड थोड़ा सा बच गया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें थोड़ा सा पालक और प्याज कट करके और थोड़ा सा पालक का भी पकौड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि पालक का भी पकौड़ा खाया मैं बहुत दिन हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने बना लिया। ये देखिए फ्रेंड, अनी कहाँ घुसी है? अनी देखा टेबल के अंदर, टेबल के अंदर क्यों घुस के क्या कर रही हो? हाँ उसे अंदर छिपकली होगी, इधर उधर कहीं चिपकी कहीं छिपकली होगी, चिपकी हुई कहीं। हाँ क्या है? पॉपकॉर्न। ये देखिए फ्रेंड, ये आज मैंने अभी बेडशीट जो है चेंज किया है और
इसको लगाया है, क्योंकि ये लड़की जो है ना पूरा बेडशीट गंदा कर देती है ना। ये लड़की पागल है, पागल है। आज मैंने अनी को फ्रॉक पहनाया था, जो मैं कल लेकर के आई थी फ्रॉक, वही अनी को पहनाई थी, लेकिन ये लड़की जो है एक घंटा भी अपना फ्रॉक अच्छे से नहीं चला पाई। गई तुरंत जो है बाथरूम में गई और अपना कपड़ा भिगोली। इतना तेज गुस्सा है मुझे कि पूछिए मत, लेकिन मारी नहीं इनको, नहीं तो लगा दी इनको ना एक कस के एक थप्पड़, बस उसी में ये गिर जाती। लेकिन जो है नहीं मारी, मैं बोली जाने दो, अभी छोटी हैं, अभी पीटेंगे नहीं इनको, जब बड़ी हो जाएंगी तब इनकी कस के पिटाई करेंगे हम। क्योंकि अभी मैं इनको दवा खिला रही हूँ और खांस रही हैं, और खांसी अभी ठीक नहीं हुई, फीवर तो अभी मान लीजिए ठीक हो गया है, लेकिन खांसी अभी ठीक नहीं हुई है। लेकिन ये हमेशा बाथरूम में घुस के बस तुरंत जा करके पानी गिरा लेगी, कपड़े भिगो लेगी, कुछ भी कर लेगी। और फ्रॉक इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था इसके ऊपर ना, मैं क्या बताऊँ। कल से फिर दूसरा वाला फ्रॉक मैं पहनाऊंगी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। इसके ऊपर सच में अच्छा लग रहा था, तो मैं सोचती हूँ ना कि इसके बाल थोड़े से बड़े हो जाएं और फ्रॉक पहने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं इसके बाल नहीं कटवा रही हूँ, एकदम चंगू मंगू बनी हुई है। बाल कंगे करो तो ऐसे 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 बिगाड़ लेती है। देखिए विटामिन ई की गोली है ये, अपना बाल वाल एकदम बिगाड़ लेती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा इनके बाल बड़े हो जाएं, फिर मैं इनकी चोटी करूँगी और फ्रॉक पहनाऊँगी। नानी चोटी चोटी कराऊँगी? नहीं, चोटी में बाल में चोट लगता है। नहीं, तुम्हारी बाल में चोटी करेंगे और तुम फ्रॉक पहनोगी, ठीक है? नहीं नहीं क्या? तो फ्रेंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करिए, क्योंकि एक सब्सक्राइबर का जितना बढ़ता है, जितनी खुशी होती है ना, उससे ज़्यादा कई गुना तब दुख होता है कि जब सब्सक्राइब करके कोई अनसब्सक्राइब कर देता है ना चैनल को, तो मतलब मुझे इतना उससे ज़्यादा कहीं दुख होता है कि अरे यार, एक एक सब्सक्राइबर जो है यूट्यूबरों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक सब्सक्राइबर बढ़ता है जिस दिन ना, उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि जितना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि चलो एक सब्सक्राइबर मेरा बढ़ गया है। लेकिन जिस दिन एक सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया करिए, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है। और दूसरी बात, सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड करके प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए तो प्लीज अनसब्सक्राइब मत किया, हाँ अनसब्सक्राइब मत क्या करिए प्लीज फ्रेंड। मुझे मतलब क्या बताऊँ, बहुत दुख होता है, क्योंकि अभी हमारे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, और एक एक सब्सक्राइब बढ़ते हैं उस पर से कम हो जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत किया करिए आप लोग जो है, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, और क्या बताऊँ मैं। बस रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मत किया करिए, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब जो कर दिया है तो अनसब्सक्राइब प्लीज़ मत करिए, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर कम हो गए हैं, और मैंने 1.5 महीने से मैंने वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि मेरी सासू माँ जो है गुजर गई हैं। हाँ, इधर आओ फ्रेंड को बोलो, फ्रेंड अनसब्सक्राइब मत किया करिए, अनसब्सक्राइब मत किया करिए मम्मा को। हाँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ढेर सारा प्यार दो, खूब ज्यादा प्यार करो। अरे अब बस हो गया, चलो तुम क्या देखोगी? चंगू मंगू देखेंगी। तो प्लीज फ्रेंड आपसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अनसब्सक्राइब मत करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर। अनी प्लीज कैसे करती हो, प्लीज करके दिखाओ। नहीं प्लीज मम्मा, कैसे हाथ जोड़ के करती हो? ऐसे हाथ जोड़ के करो, कैसे करो? ऐसे नहीं प्लीज फ्रेंड। अरे ये गला फाड़ रही है।